गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। दो प्रॉपर्टीज़ बची है, एक है आपका कंप्रेस और एक है आपका डेंसिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, प्रेस करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये आपका एक किसी सॉलिड का फिगर है, अगर आप इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं इस तरह से अगर आप किसी चीज़ को पुश करते हैं, तो आपको पता है कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है कि सॉलिड्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, काफ़ी लेस होता है। और डिस्टेंस जब लेस होगा तो आप जब प्रेशर एग्जर्ट करोगे, तो प्रेशर एग्जर्ट करते वक्त क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह ना होने की वजह से ये ज़्यादा पुश नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी सॉलिड मटेरियल को, आपके हाथ में मोबाइल होगा, आप उसको अगर पुश करके देखो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपके हाथ से दबाने से उस मोबाइल पे कोई असर पड़ने वाला है, ठीक है ना। कोई भी सॉलिड आप टेस्टर ले लीजिए, कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स अगर आप ले लेंगे, उसको आप प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, तो वो अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं, इतने ज़्यादा बाउंड होते हैं कि ये इनके बीच में जगह ना होने की वजह से ये क्या करते हैं, ये इनके बीच में जगह ना होने की वजह से ये स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, अब आप ये दिमाग में मत लाइएगा कि अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें, प्रेशर चेंज कर दें, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। सिंपल सी बात है, एट द रूम टेम्परेचर आप किसी भी चीज़ को पुश करोगे तो वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, और दूर दूर होने की वजह से जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो फोर्स जब अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा कम होने लगता है, और डिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर हम गैस में आएँ तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि सॉलिड को आप आसानी से कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अब आते हैं डेंसिटी पे। डेंसिटी को भी आप इसी समझ सकते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। आपको पढ़ाया भी गया होगा मेंसुरेशन में कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई क्यूबिक फॉर्म में है, अगर आप इस जस्ट फिगर ये इमेजिन कर लीजिए कि ये आपका 3D फिगर है, कोई कंटेनर है, कोई सॉलिड चीज़ है, इसका आप 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट ले लेंगे, तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट लेने का स्ट्रक्चर का मतलब ये, जस्ट लाइक दैट, ये फिगर आपने ले लिया, तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाएंगे सॉलिड्स के, वही उसकी क्या होती है, डेंसिटी। सिंपल सी बात है, डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कितनी डेंस्ड है, तो डेंस्ड होने का मतलब घना, तो डेंस्ड होने का मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, काफ़ी पास होंगे, तो सॉलिड में ही तो प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल के पास होने की, तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, थोड़ी सी लो होती है। कोई रीज़न पूछेगा कि आपसे कि डेंसिटी लो क्यों होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, तो आप कह सकते हो क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से दूर दूर होते हैं, या आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच के जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। अगर आप गैस की बात करो तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं, इनकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है। तो एक बार आपका रिविज़न करा दें सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ का। सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, उसे आप आसानी से कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, ठीक, उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। लिक्विड की बात करें, इसका जस्ट उल्टा शेप उनका क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी बर्तन में उसे डालोगे वो उसका आकार ले लेता है, तो शेप फिक्स नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वॉल्यूम फिक्स्ड होगा,
शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं आप। कंप्रेसिबिलिटी सॉल्ट की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होगी और डेंसिटी सॉल्ट की कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होगी। हम गैस की बात करें तो कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई डिफिट वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है ना। आप उसको बहुत आसानी से कंप्रेस्ड कर सकते हो, दबा सकते हो, ठीक, और उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी इसकी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप लोग सिर्फ समझिए, इसका पूरा पीडीएफ आपको आपके ऐप पे मिल जाएगा और जल्दी मिलेगा। पहले एक बार आप चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग पहली बार ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, आपका क्या मेरा भी पहली बार ही है, ठीक है। तो जब ऑफलाइन मिलेंगे तब देखा जाएगा, फ़िलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको।